आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे आगरा महानगर के यशस्वी अध्यक्ष माननीय भानु महाजन जी, हम सबके बीच लखनऊ से पधारे और हम सबको तो पिछले कई दिनों से मार्गदर्शन देते चले आ रहे हैं। ऐसे पूर्व विधायक माननीय सुरेश जी, हमारे आगरा के माननीय सांसद और केंद्र सरकार में माननीय मंत्री एसपीसी बघेल जी, जिला अध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा जी, इस चुनाव के माननीय संयोजक और छावनी से विधायक डॉक्टर जी एस धर्मेश जी, हमारे बीच आज की मेयर की प्रत्याशी और जिन्हें मैं भावी मेयर कहकर संबोधित कर सकता हूं, ऐसी हेमलता जी, हेमंत राजपूत जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में आगरा उत्तर के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, आगरा के पूर्व अध्यक्ष और एमएलसी विजय शिवहरे जी, सम्मानित मंच उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, पूरे प्रदेश में समय नगर निगम के चुनाव की भैया आगामी दो चरणों में उनसे पूर्ति होनी है और चुनाव पूरे होंगे। किसी भी चुनाव में जब हम वोट डालने जाते हैं तो तीन कसौटियां होनी चाहिए, तीन कसौटियों पर चुनाव के प्रत्याशी को चुनाव को कसना चाहिए। पहली कसौटी जिस दल को हम वोट देने जा रहे हैं उनका राष्ट्रीय और प्रदेश का नेतृत्व कैसा है, दूसरी कसौटी अगर उस दल की कभी सरकार आई है तो उनका कामकाज कैसा है, और तीसरी कसौटी जो प्रत्याशी है आपके सामने वह प्रत्याशी कैसा है। तीनों कसौटियों में यदि मैं शुरू करूं, पहली कसौटी की हमारा नेतृत्व तो कैसा है भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे फक्र है इस बात का कि कहां जा रहे हो भाई। मैंने कहा क्यों, बोले वहां भारतवासियों को बड़ी हिकारत से देखा जाता है, बड़ी गैर सम्मानजनक स्थिति से देखा जाता है। हमने कहा हम तो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की अर्थशक्ति बनाने के लिए, माननीय योगी जी के निर्देश पर वहां पहुंचे, इन्वेस्टर से बातचीत हुई, शाम हुई, शाम को पेरिस का इत्र मशहूर है, मैं इत्र खरीदने गया एक दुकान पर, तो सेल्स गर्ल ने पहले फ्रेंच में मुझसे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं जानता, तो बोली फ्रॉम वेयर यू आर, मैंने कहा आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम इंडिया, ब्रो फ्रॉम मोदीज कंट्री, फ्रॉम मोदीज स्टेट, वेलकम वेलकम, ये परिवर्तन दिया है मेरे नेता मोदी ने और मेरे नेता योगी ने, ये बदलाव दिया है, एक आम भारतवासी का सम्मान हो रहा है विदेशों में, और 22 साल पहले क्या था उसका उदाहरण भी मैं दे चुका हूं, उसी शहर में उसी जगह ये सम्मान हुआ है। मित्रों योगी जी के बारे में, योगी जी अपने जीवन को छोड़कर साधु जीवन व्यतीत करने निकले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है तो राजनीति में आए, और राजनीति में आकर जो सेवा की है उन्होंने प्रदेश की, यह प्रदेश पहले गुंडों का प्रदेश कहलाता था, माफियाओं का प्रदेश कहलाता था, यहां
गुंडों के आतंक से, माफियाओं के आतंक से जनता खौफ में रहती थी, लेकिन आज योगी जी के राज में माफिया खौफ में है, गुंडा खौफ में है, या तो जेल में चला गया है अपने आप जानबूझकर बचाने के लिए, और अगर कोशिश की है तो गाड़ी पलट गई है ऐसे लोगों की, कानून हाथ में लेने की कोशिश की है तो जिस ढंग से कानून हाथ में लिया है उसी ढंग का जवाब भी मिला है। का इशारा हो रहा है कि आगामी 4 तारीख को आप लोगों को वोट डालने जाना है, मतदान स्थल पर 2 मशीनें होंगी, 1 महापौर यानी मेयर के चुनाव के लिए उसमें भी कमल का निशान होगा, 1 पार्षद चुनने के लिए उस पर भी कमल का निशान होगा, दोनों कमल पे बटन दबाना है, ये आपको करना है। दूसरी गुजारिश ये है कि गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में 11 बजे से पहले मतदान कर दीजिए, जिससे असुविधा ना हो, कष्ट ना हो, पहले मतदान बाद में जलपान, खुद अपना वोट डालें, अपने परिवार का डलवाएं, पड़ोसी का डलवाएं, रिश्तेदार का डलवाएं, जिससे आपकी आवाज से हमारा जनप्रतिनिधि चुन के पहुंच सके। अभी तक डबल इंजन की सरकार है जिसने देश का और प्रदेश का माहौल बदला है, जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेजी गति से होगा, आप सबके घर के द्वार पर विकास होगा। धन्यवाद। विपक्ष के लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, और यह प्रत्याशी ने भी जयपुर हाउस जैसी नगर में सपा का प्रत्याशी हमारे पक्ष में बैठ गया, इसका मतलब साफ है कि जनता और कार्यकर्ता सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बेमिसाल जीत उत्तर प्रदेश में होने वाली है, सभी सीटों पर नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर बनेंगे, और आगरा में 75% पार्षद और 1 तरफा चुनाव होगा हेमलता जी। लेकिन जब जब